आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। इस टॉपिक पे मैंने इंग्लिश में भी वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ये हिंदी में वीडियो मैंने खास अपने एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे बनाया है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी कि मैं ये टॉपिक हिंदी में समझाऊं। इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के, जैसे कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, ये क्वालिटी कंट्रोल हम किस तरह से लेबोरेटरी में इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है लेबोरेटरी में, क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, लेवी जेनिंग्स चार्ट क्या है, उसे किस तरह से इवेल्युएट किया जाता है एरर डिटेक्शन के लिए, वेस्टगार्ड रूल्स क्या होते हैं और उन रूल्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है, ये सब हम लेबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल के वीडियो में सीखेंगे। क्लिनिकल लेबोरेटरी का काम क्या होता है, पेशेंट सैंपल पे टेस्ट लगाना। पेशेंट सैंपल कई तरह के हो सकते हैं, जैसे ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, सीएसएफ सैंपल और एनी बॉडी फ्लूइड सैंपल। वो सैंपल पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये सब होता है लेबोरेटरी का काम। वो किस तरह से होता है, उसका पाथ ऑफ वर्क फ्लो किस तरह से होता है। सबसे पहले होता है सैंपल कलेक्शन, हम पेशेंट का सैंपल कलेक्शन करते हैं। सैंपल ट्रांसपोर्ट, अगर सैंपल कलेक्शन लेबोरेटरी में नहीं हो रहा है, किसी दूसरी जगह पे हो रहा है, तो वहां से लेबोरेटरी तक लाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं सैंपल ट्रांसपोर्ट। फिर सैंपल रिसिप्ट, लेबोरेटरी में सैंपल किस तरह से रिसीव होता है। तो ये जो तीन स्टेजेस है, सैंपल कलेक्शन, सैंपल ट्रांसपोर्ट, सैंपल रिसिप्ट, इसको बोलते हैं हम प्री एनालिटिकल फेज। और मोस्ट ऑफ द एरर्स जो होते हैं लेबोरेटरी में वो प्री एनालिटिकल फेज में होते हैं, अबाउट 70%। इसलिए ये जो प्री एनालिटिकल फेज होती है उसके कई तरह के गाइडलाइंस होते हैं कि किस तरह से सैंपल कलेक्ट किया जाए, किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट हो और रिसिप्ट में किस तरह की गलतियां ना हो, सही पेशेंट का नाम सही सैंपल पे लगा हो, कोई भी मिसलेबल ना हो, ये सब चीजें होती है प्री एनालिटिकल फेज में। फिर सैंपल आने के बाद में हम उसे क्या करते हैं, एनालाइजर पे प्रोसेस करते हैं, तो एनालिटिकल मेजरमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल फेज, ये होता है सेकेंड फेज। फिर एनालिटिकल मेजरमेंट करने के बाद में हमें रिजल्ट मिलेगा, तो हम वो रिजल्ट को लिखते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, फिर रिपोर्ट डिस्पैच करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है आफ्टर द एनालिसिस, इसलिए उसको बोलते हैं पोस्ट एनालिटिकल फेज। तो लेबोरेटरी के पाथ में, वर्कफ्लो के पाथ में ये थ्री फेजेस होती है, प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल, पोस्ट एनालिटिकल। प्री एनालिटिकल में मोस्ट ऑफ द 70% एरर्स हो सकती है, एनालिटिकल फेज में कितनी हो सकती है, 7-13% ऑफ एरर्स कैन ऑकर इन एनालिटिकल फेज। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जो एनालिटिकल फेज को मॉनिटर करता है, उसको इवेल्युएट करता है, उसके एरर डिटेक्ट करता है और फिर उसको किस तरह से ट्रबल शूट किया जाए, इस पे वो एक हमें एंश्योर करता है, गाइडलाइंस देता है, तो उसे बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जो एनालिटिकल फेज को, एनालिटिकल प्रोसेसेस को मॉनिटर करता है, उसको इवेल्युएट करता है ताकि हमें एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स मिले। ये क्वालिटी कंट्रोल एक पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है क्वालिटी एश्योरेंस का। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल ये डिफरेंट है फ्रॉम क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस इंश्योर्स एंड मॉनिटर्स थ्री फेजेस, जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो मॉनिटर करेगा प्री एनालिटिकल को भी, एनालिटिकल को भी और पोस्ट एनालिटिकल फेज को भी वो मॉनिटर करता है। तो वो एक ब्रॉडर टर्म है, क्वालिटी कंट्रोल से एक ब्रॉडर टर्म है क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या एश्योरेंस देता है कि किसी भी लेबोरेटरी में राइट टेस्ट कैरिड आउट हो, राइट स्पेसिमेन पे, सही स्पेसिमेन पे उसका सही रिजल्ट मिलना चाहिए, उसका सही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए और वो सही पर्सन को डिलीवर होना चाहिए सही समय पे। समय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या, कौन डिसाइड करता है, कौन मॉनिटर करता है, उस सिस्टम को बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी कंट्रोल यह क्वालिटी एश्योरेंस का ही एक कंपोनेंट होता है। और ये जो क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस है, ये किसके कंपोनेंट होते हैं, ये कंपोनेंट होते हैं पूरे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में सब कुछ आता है, जैसे कि मैनेजमेंट जो भी है
उस तरह सब कुछ उसमें आएगा, जैसे कि प्रोसीजर्स है, सब प्रोसेसेस है, इम्प्रूवमेंट प्लान, स्ट्रेटजीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एवरीथिंग कम्स इन द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. देन कम्स क्वालिटी एश्योरेंस विच इंक्लूड्स क्वालिटी कंट्रोल. तो ये होता है लेबोरेटरी का पार्ट ऑफ वर्क फ्लो. तो क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस विच इवेल्युएट्स एंड मॉनिटर द एनालिटिकल फेज. मतलब कि ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है, उसे स्टैटिस्टिकल प्रोसेस इसलिए बोलते हैं कि हम ये क्वालिटी कंट्रोल जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसेस. क्वालिटी कंट्रोल को स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल भी कहा जाता है. तो टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट एनालिटिकल फेज टू एंश्योर एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट. तो हमें क्या चाहिए? एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए जो सही हो और प्रेसाइज हो, रिलायबल हो. तो ये इम्पोर्टेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल का इम्पोर्टेंस, कि वो हमें एंश्योर करता है कि हमें एक्यूरेट और प्रेसाइज रिलायबल रिजल्ट्स मिले और हम एरर्स को डिटेक्ट कर सके और उनको दूर कर सके. तो क्या ऑब्जेक्टिव्स है? क्वालिटी कंट्रोल क्यों इम्पोर्टेंट है? वो हमें इंश्योर करता है कि हमें एक्यूरेट रिलायबल टेस्ट रिजल्ट मिले पेशेंट के सैंपल पे. वो हमें क्यों चाहिए एक्यूरेट एंड रिलायबल? टू सपोर्ट प्रोविजन ऑफ हाई क्वालिटी हेल्थ केयर. कि अगर हमारे पेशेंट के सब जो टेस्ट रिपोर्ट्स है वो एक्यूरेट एंड रिलायबल रहे तो ही पेशेंट को हाई क्वालिटी हेल्थ केयर मिल सकती है. कैसे? सही रिपोर्ट्स रहेंगे तो सही डायग्नोसिस होगा, सही डायग्नोसिस होगा तो ही उसको सही ट्रीटमेंट मिलेगा. तो उस तरह से हम क्या करते हैं, हम पेशेंट की मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी कम करने में हेल्प कर सकते हैं. तो लेबोरेटरी का बहुत बड़ा महत्व होता है पेशेंट केयर में. दूसरा है कि एंश्योर क्रेडिबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी. मतलब कोई लेबोरेटरी अगर सही रिजल्ट्स दे रही है तो वो एक क्रेडिबिलिटी होती है वो लेबोरेटरी की, कि ये लेबोरेटरी अच्छी है तो एंश्योर करती है. जनरेट कॉन्फिडेंस इन द लैब रिजल्ट्स. किसी लेबोरेटरी के रिजल्ट्स अगर सही होते हैं, वो सही पेशेंट्स के डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं तो वो लेबोरेटरी पे कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि ये लेबोरेटरी सही रिजल्ट्स देती है. टू गिव लेबोरेटरी स्टाफ कॉन्फिडेंस इन देयर मेथड्स. अगर हमारे लेबोरेटरी में हम सही रिजल्ट्स दे रहे हैं और हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं, तो लेबोरेटरी के कंज्यूमर्स कौन हुए? पेशेंट और फिजिशियन. जिन जो फिजिशियन वो रिपोर्ट्स के सहारे अपना डायग्नोसिस करते हैं, पेशेंट का प्रोग्नोसिस बताते हैं और उसका ट्रीटमेंट का मॉनिटरिंग करते हैं. तो ये सब चीजें अगर सही जाए तो हमें भी लेबोरेटरी में काम करके हमारे स्टाफ को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो एक एक्यूरेट और हम रिलायबल रिजल्ट दे पा रहे हैं एंड हम पेशेंट केयर में अपना योगदान दे रहे हैं. तो ये सब क्वालिटी कंट्रोल्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. क्वालिटी कंट्रोल के टाइप्स के बारे में समझने के पहले हम पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे. जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि द पेशेंट रिजल्ट शुड बी एक्यूरेट एंड रिलायबल प्रिसाइज, तो ये एक्यूरेसी प्रेसिजन ये क्या होता है? तो एक्यूरेसी क्या होती है? मतलब कि हाउ करेक्ट योर रिजल्ट इज. आपका आपका जो रिजल्ट आया हुआ है वो कितना करेक्ट है, तो कैसे पता चलेगा? एक एक्चुअल वैल्यू रहेगी, पर मतलब ट्रू वैल्यू रहेगी, उसके कितना आसपास आपका रिजल्ट आया है उससे आप पता कर सकते हैं कि कितना एक्यूरेट है. फॉर एग्जाम्पल, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअल वैल्यू है और सभी डार्ट उसको हिट कर रहे हैं, बुलसाई को. मतलब कि ऑल द रिजल्ट्स आर एक्यूरेट. तो ये जो एक्यूरेट होता है उसकी डेफिनेशन है क्लोजनेस ऑफ अ रिजल्ट टू द एक्चुअल वैल्यू. एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू. मतलब जो सही मायने में उसमें है. फॉर एग्जाम्पल, किसी का ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन है 100 mg/dL और हमारा उसके एकदम क्लोज आ रहा है 98, 99, तो वो क्लोज है एक्चुअल वैल्यू से, तो उसको हम बोलेंगे हमारा रिजल्ट एक्यूरेट है. और अगर वो एक्यूरेट नहीं है, ऐसे डेविएट हो रहा है जो ट्रू वैल्यू से, 80 आ रहा है, 110 आ रहा है, तो उसको बोलते हैं इन एक्यूरेसी. मतलब लैक ऑफ एक्यूरेसी इज कॉल्ड एज इन एक्यूरेसी. उससे बायस भी कहा जाता है. और जो ये इन एक्यूरेसी है, इट इज अ मेजर ऑफ सिस्टमेटिक एरर. ये जो टाइप्स ऑफ एरर हम बाद में पढ़ने वाले हैं. तो फिलहाल एक्यूरेसी इज क्लोजनेस ऑफ अ रिजल्ट टू द एक्चुअल वैल्यू, दैट इज ट्रू वैल्यू. प्रेसिजन क्या होता है? प्रेसिजन इज सिनोनिमस विद द रिलायबिलिटी. रिलायबल रिजल्ट मीन्स प्रेसाइज रिजल्ट. हाउ डिस्पर्स द वैल्यूज आर. मतलब कि जो भी हमारे रिजल्ट आते हैं वो एक दूसरे के रिलेशन में कितने डिस्पर्स है. फॉर एग्जाम्पल, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो सब आया है डार्ट्स यहाँ पे हिट हुए हैं,
वो सब एक दूसरे से बहुत दूर है, और वो टारगेट जो अपने ट्रू वैल्यू है बीच का जो सेंटर है बुल्सा, इससे भी काफी दूर है। तो यहाँ पे हमारे रिजल्ट्स ना एक्यूरेट है ना प्रेसाइज है। तो ये क्या होता है, प्रेसिजन, रिप्रोड्यूसिबिलिटी और क्लोजनेस ऑफ द वैल्यूज टू ईच अदर। मतलब हम बार बार अगर वही सैंपल रन कर रहे हैं तो उसका हर बार हमारे जो वैल्यूज आते हैं वो एक दूसरे से कितने क्लोज है वो देखते हैं हम प्रेसिजन में। अगर वो बार बार करने से एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं मतलब हमारे रिजल्ट प्रेसाइज है। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्रिटिकल पेशेंट है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना है 2-2 घंटे में, और आप कर रहे हैं और वो रिजल्ट एकदम सही आ रहे हैं, एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि ये जो है रिप्रोड्यूसिबल है, प्रिसाइज है। उसको हम रिपीटेबिलिटी भी कहते हैं। और अगर वो प्रिसाइज नहीं आ रहे, वो दूर 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 आ रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे इम्प्रेसिजन। उसका जो लैक ऑफ प्रेसिजन का जो टर्म होता है उसको बोलते हैं इम्प्रेसिजन। और अगर इम्प्रेसिजन रहा तो वो क्या डिनोट करती है, रैंडम एरर। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन ऑफ रैंडम एरर इज इम्प्रेसिजन। तो यहाँ पे हमने सीखा कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रेसिजन क्या होता है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे लेबोरेटरी के जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक्यूरेट भी होने चाहिए और प्रेसाइज भी होना चाहिए, मतलब रिलायबल होना चाहिए। और अच्छे से समझते हैं तो ये जो है 2x2 का टेबल है, एक्यूरेट, इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेसी इज अ मेजर ऑफ सिस्टमेटिक एरर, प्रेसाइज और इम्प्रेसाइज। इम्प्रेसिजन शोज रिप्रोड्यूसिबिलिटी एरर और रिपीटेबिलिटी एरर। तो सबसे पहले देखते हैं ये पिक्चर। इसमें सभी जो डार्ट्स है वो जो बुल्स आए है येलो पॉइंट है वहां पे हिट हुए हैं, मतलब कि एक्यूरेट है। हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो ये येलो पॉइंट में है, तो हमारे सभी रिजल्ट्स वहीं पे हिट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे सही रिजल्ट्स एक्यूरेट है और प्रेसाइज है, क्योंकि वो एक दूसरे के बहुत क्लोज है, इसलिए वो एक्यूरेट भी है और प्रेसाइज भी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सभी रिजल्ट एक दूसरे के पास तो है पर वो हमारी ट्रू वैल्यू से दूर है, मतलब वो सेंटर में हिट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या है, हमारे रिजल्ट प्रिसाइज है पर वो इनएक्यूरेट है, वो एक्यूरेट नहीं है, वो हमारी ट्रू वैल्यू से काफी दूर है। तो ये क्या डिनोट करता है, इनएक्यूरेसी इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर डिनोट करता है। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स है कुछ हमारे येलो रीजन में है, कुछ रेड, मतलब कि ट्रू वैल्यू के आसपास है। तो हम बोल सकते कि हमारे रिजल्ट्स एक्यूरेट तो है पर एक दूसरे से काफी दूर है, तो इम्प्रिसाइज है। एक्यूरेट है पर इम्प्रिसाइज है, तो ये हमारा हो गया रिप्रोड्यूसिबिलिटी एरर। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सभी रिजल्ट्स ट्रू वैल्यू के भी एकदम दूर है और एक दूसरे के भी दूर है, तो ना ये एक्यूरेट है ना ये प्रिसाइज है। सो ये है इनएक्यूरेट एंड इम्प्रिसाइज। सो आइडियल क्या होता है, ये वाला फर्स्ट पिक्चर, द रिजल्ट शुड बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एनालिटिकल एरर्स पे बात करेंगे, जो कि रैंडम एरर्स और सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, उनके कॉजेस क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे।